तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जेल नंबर 3 में मारपीट के बाद एक कैदी की हत्या कर दी गई। मृतक कैदी का नाम दीपक है, जो जेल में सेवादार था। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में आज दोपहर के वक्त कैदियों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दीपक की हत्या कर दी गई। हत्या में किसी धारदार चीज के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में एक बार फिर हत्याकांड हुआ है। एक कैदी ने किसी बात को लेकर दूसरे कैदी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे की है, जब जेल नंबर 3 में बंद दीपक सोनी का एक दूसरे कैदी अब्दुल बशीर से झगड़ा हो गया, और उसके बाद अब्दुल बशीर ने किसी नुकीली चीज से दीपक सोनी पर हमला कर दिया, जिसमें दीपक सोनी घायल हो गया। और जो तिहाड़ प्रशासन है वो उसको लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जिस आरोपी ने हमला किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल बशीर मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में रह रहा था और एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजप्रिया की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर काफ़ी उपाय किए गए थे, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद फिर एक और हत्याकांड सामने आ गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।